ये सीक्रेट बताइए सर आपकी स्पेशलिटी क्या है बच्चे ऐसा क्या आपके अंदर स्पेशल देखते हैं और क्या आपकी पढ़ाई में स्पेशलिटी होती है बच्चे किस बारे में बात करते हैं जिससे उनकी रैंक आती है और सर आपने कौन सा सीक्रेट किया जिसमें सब में आपने टॉप किया बिल्कुल, सर बिल्कुल, बताइए बिल्कुल। सर नहीं ये बात तो देखो सर ने बहुत जेनुइन सवाल पूछा है एक्चुअली होता क्या है सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से और प्रैक्टिस भी करते हैं और सिलेबस भी कवर करते हैं सभी लोग सेम टीचर से भी पढ़ते हैं सेम किताबी लगा रहे हैं बट स्टिल जो रैंकर लोग हैं वो गिने चुने रहते हैं और उन लोग के पास कुछ ऐसा सीक्रेट मंत्रा है जो वो लगा के तुरंत एग्ज़ाम में टॉप करते हैं तो वो हमने अप्लाई किया तभी इतने सारे पेपर्स निकल भी पाए काफ़ी सारे स्टेट के ए के जे के गेट के भी ए का भी चाहे एस का हो काफ़ी सारे पेपर्स हमने निकाले हैं तो हमने क्या क्या उसके अंदर जो चीज़ें देखी हैं उसी तरह से हम पढ़ाते भी बच्चों को तो बस वही सारी चीज़ें हम तुमको बताते हैं दो तीन पॉइंट्स इसको ब्रेक करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से एक्चुअली जो भी हमारा एग्ज़ाम है जो भी हम एग्जाम निकालना है लेटेस्ट से हम इसरो की तैयारी कर रहे हैं लेटेस से इसरो जेई का पेपर आया लेटेस्ट से डी डी का क्या मान लो एम पी -E का आया या यू पी -E का आ गया तो कोई भी ए जेई का पेपर है या कोई भी इसरो का आया या मान लो बार का आया कोई भी, भी पेपर है तो हर एग्ज़ाम की डिमांड अलग अलग रहती है ना हर एग्ज़ाम की अलग रिक्वायरमेंट है हर एग्ज़ाम में अलग स्पीड चाहिए हर एग्ज़ाम की अलग पैटर्न है किसी में न्यूमेरिकल ज़्यादा है किसी में थ्योरी ज़्यादा है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है हर एक एग्ज़ाम को अलग अलग एनालाइज़ करना पड़ता है बहुत बढ़िया तरीके से उसके बाद तो हमने जितने पेपर यहाँ पे काफ़ी अलग अलग एग्जाम्स निकाले हैं तो हमने हर एक एग्ज़ाम को बहुत अलग अलग तरीके से समझा किसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है उस हिसाब से उस पर काम किया और इसमें अगला पॉइंट हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि एग्ज़ाम निकालना और नॉलेज यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है कोई भी एग्जाम जितने भी हैं तुम्हारे वो कोई भी तुम्हारा नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा है वो ये टेस्ट कर रहा है कि तुम गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स जितने हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर वो तुम कितनी अच्छी तरीके से मगअप करके आयो या बहुत अच्छे से रिपीट करके आयो तभी एग्जाम में जब हम लोग क्या करते हैं बहुत बार चीज़ों को पढ़ते हैं बहुत बढ़िया तरीके से और टीचर्स उसको बहुत इंटरेक्टिव बनाते हैं जिससे बच्चों के माइंड में वो चीज़ें लंबे समय तक रहें उससे क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे एग्जाम में स्पीड दिखा सकते हैं और जल्दी जल्दी रिकॉल होती हैं चीज़ें है ना